राजमाता गायत्री देवी के नाम से कोई अनजान है। जयपुर राजघराने की इस राजमाता को सौंदर्य की देवी के तौर पर दुनिया जानती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सौंदर्य की ये देवी लोकतंत्र की भी बड़ी उपासक रही है। जयपुर से लगातार 5 बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड करने वाली ये राजमाता राजनीति से अचानक गायब हो गई। आखिर में क्यों चली गई? नई पीढ़ी को तो ये तक पता नहीं कि राजमाता कभी यहाँ की जनप्रतिनिधि रही। ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे बीच हैं जयपुर की राजमाता गायत्री देवी। राजमाता कभी आप जयपुर की प्रतिनिधि रही, लगातार लोकसभा में 5 बार लोगों का प्रतिनिधित्व किया, जयपुर की और राजस्थान की आवाज़ को उठाती रहीं। जयपुर में आप कांग्रेस के खिलाफ विरोध की प्रतीक भी बनी, लेकिन आज चुप हैं। आखिर में क्यों है यह चुप्पी? उम्र का तकाजा है या हालातों के कारण समझौता? आप लंबे समय से यहाँ की राजनीति में सक्रिय रही थी, एक्टिव रही यहाँ की पॉलिटिक्स में, लगातार 5 इलेक्शंस आपने जीते थे। हाँ। अचानक आप राजनीति से अलग हुई थी, राजनीति से अलग हो गई थी। हाँ। तो राजमाता, क्या राजनीति से मोह भंग हुआ था? नहीं, ऐसे हो गई थी क्योंकि मेरे जो नेता थे राजगोपालाचारी नहीं रहे, वो सब नहीं रहे, तो फिर मैं तो और किसी के नीचे काम करना नहीं चाहती थी। पर राजमाता, आपको लेके जयपुर के लोग, उस समय लोगों ने देखा है, आज भी जो आपके प्रति जो एक आकर्षण था, जो एक लीडर के तौर पे, वो जयपुर की जनता में बड़ा बना हुआ था। आज भी यदि किसी को चुनाव जीतना होता है तो आपके आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप पॉपुलरिटी के एकदम पीक पर थी, ये तो मुझे मालूम नहीं था, आपने आज ही मेरे को बताया। अगर मेरे को ये मालूम होता तो मैं शायद चुनाव उनाव लड़ने से क्या फ़ायदा, जनता के लिए मैं तो करती थी, जनता के लिए, फॉर द पीपल, लेकिन कुछ कर नहीं सकी तो क्या फ़ायदा था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से क्या फ़ायदा था? जयपुर के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकी। जयपुर की जनता, जो जयपुर के लोग हैं, हाँ, वो सोचते थे कि आप जब तक नेता के तौर पर हैं तो जयपुर की जो सुरक्षा है, जयपुर की जो विरासत, जो हेरिटेज है, हाँ, वो हमेशा सेफ रहेगा आपके हाथों में, ऐसा सोचती थी। ये तो मुझे मालूम नहीं था, आपने मेरे को बताया, ये मेरे को मालूम नहीं था कि वो ऐसे सोचते हैं। पर राजमाता, ये बात सही है कि आपके बाद जो इसी घराने के भवानी सिंह जी भी चुनाव लड़े, हाँ, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहे, और आप जिसकी तरफ रही, गिदारीलाल भार्गव जैसे लोग सफल हो गए, तो ये तो आप मानेंगे कि जयपुर की जनता आपको कितना चाहती है? कौन से भार्गव? गिरधारी लाल भार्गव। हाँ। वो आपका आशीर्वाद पाकर, हाँ, वो चुनाव जीत गए, तो ये तो आप मानेंगे कि जयपुर की जनता आपके साथ थी? अभी थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी दैट, मेरे को मालूम नहीं था, पर अब आपने मुझे बताया, मैं बहुत खुश हूँ। बेतरतीब होते जयपुर शहर के लिए आपने हमेशा आवाज उठाई है, लेकिन आपकी यह आवाज पिछले कुछ सालों से बंद है। आखिर क्यों हो रहा है शहर बेतरतीब? इस पर हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गृह प्रवेश, क्या तुम्हारा घर भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है जजमान? पता नहीं महाराज। पता नहीं? क्या तुमने जमीन की ताकत की जांच करवाई थी जजमान? क्या तुमने घर के फाउंडेशन और कॉलम की जांच करवाई थी? नहीं महाराज। फिर ये गृह प्रवेश नहीं हो सकता। कुछ तो उपाय कीजिए महाराज। असंभव। गृह प्रवेश का एक ही उपाय है, भूकंप रोधी तकनीक से बना घर ही खरीदें या बनाएं। यही है गृह प्रवेश का सही उपाय। तो
तुम्हारा दूध बड़ा खट्टा था। अब मैडम को मैं क्या बताऊं कि वो जो भैंस थी वो एक डलिया नींबू खा गई। पत्थरों के नीचे से पहली बार आए हो क्या? सरकारी दफ्तर है, नीचे दो। तेरे ऊपर शनि महाराज की छाया है। सब झुकाऊ सर मेरे आगे, सब कहूँ परमात्मा। यही कुत्ते जो है सूंग सूंग के चोर पकड़ते हैं। तो कहने का अच्छा तो आप क्या पकड़ते हो? मैं हमने कहा हम लोग कुत्ते की रस्सी नहीं पकड़े रहते हैं। जब छंगुआ हमारी बीबी पे लाइन मार रहा है तो हमें नींद आ सकती है भला? लगे रहिए, देखिए शनिवार रात 9:30 बजे। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नंबर तेज, रात को सिर्फ एक ग्लास, दिन 10 ग्लास। क्यों ना बताएं उन हादसों को, क्यों ना हो खबरों की निष्पक्ष निडर पेशकश, क्यों ना सुने उन लोगों को जो बरसों से हैं बेसहारा, क्यों ना तलाशे हकीकत को जो समाज में ला सके उजियारा, क्यों ना खोजें उन रास्तों को जो अमन और शांति का पैगाम लाते हैं, क्यों ना दोस्ती करो हमसे, आखिर हम हैं हर कहीं। दुनिया के हर एक प्रांत से हम लाते हैं आपके लिए खबर। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां, आपदाएं, संघर्ष, समझौते, ज्ञान विज्ञान, मनोरंजन, जिंदगी के तमाम पहलुओं पर नजर रखिए ईटीवी वर्ल्ड के जरिए रोजाना 9:00 बजे सिर्फ ईटीवी पर। यहां निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में नियंत्रित नहीं है, मैं विकास करना चाहता हूँ। वायदों प्रतिक्रियाओं से हमारी जिंदगी पर पड़ता असर, गरीब मर रहा है पुलिस फायरिंग से वेस्ट बंगाल में, किसी तरह से अंदर से जान बचा करके बाहर आए। इसलिए हम रहते हैं सतत निष्पक्ष निडर, खबरों की हकीकत को जानने के लिए देखिए ईटीवी न्यूज, आखिर हम हैं हर कहीं। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं राजमाता गायत्री देवी। जयपुर में इस समय हेरिटेज को लेके भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से शहर एकदम बेतरतीब बढ़ता जा रहा है और जो आप एकदम बिल्कुल इरेगुलर तरीके से बढ़ता जो जा रहा है। अब वो तो मुझे मालूम है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, गवर्नमेंट तो मेरे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट तो कांग्रेस के पास, कांग्रेस है या बीजेपी के, तो वो लोग जो करते तो करते है, क्योंकि राजा जब थे ना, जैसे जब दरबार थे तो जयपुर के लिए सब कुछ ठीक करते थे, अच्छा करते थे, क्योंकि जयपुर उन्हीं का था। आजकल तो कोई केयर नहीं करता। क्या क्या कारण है कि उस समय जो राजा थे सवाई जयसिंह का, ये जो जयपुर था इसमें हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन था। जयपुर एक ऐसा सिटी था, मॉडर्न मॉडल सिटी था पूरे दुनिया में, और राजा चले गए, राजाओं को लोगों ने कहा कि राजा केवल शानो शौकत में लगे रहते हैं, लेकिन नए जो लोकतंत्र के राजा है, डेमोक्रेसी के जो राजा है, उन्होंने लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेसी राजा को तो मैं राजा नहीं कहते, वो लोग पैसा कमाते और कुछ नहीं करते। यानी कि डेमोक्रेसी सही मामले में नहीं, सही नहीं आई। नहीं है। क्या लगता है कि राजा के उनके खुद की संपत्ति है, उनकी घर जैसा है, वो प्रजा उनके बच्चे जैसा है, तो उनको संभालते हैं। आज लेकिन आज के जो ये जो
डेमोक्रेसी दुनिया में तो ये नहीं है। और ये आप भी जानते तो आप मेरे से पूछते क्यों? नहीं राजमाता, क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपने वो राज भी देखा है और ये राज भी देखा है। इसमें दोनों में बड़ा अंतर है। मेरे को, क्या मालूम है, मेरे को तो मालूम नहीं कि पहले जनता क्या फील करते थे, लेकिन उनके दरबार के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत श्रद्धा और बहुत उनको चाहते थे। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके जनता के लिए हमेशा क्यों चाहते थे? क्यों चाहते थे दरबार की जय सब छोड़? क्यों? अब मैं मेरे इलेक्शन जो जीती इतने बड़े मेजोरिटी से कैसे? इसके माने क्या कि राजा को पसंद करते थे और उनके साथ के साथ उनकी रानी को भी? तो राजमाता, ये जो नए जो नेता आए हैं, नई जो गवर्नमेंट आई है, डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट, तो क्योंकि आपने राज परिवार देखा है, तो क्या उनको क्या करना चाहिए? व्हाट दे शुड डू कि जो राजा की तरह करेंगे नहीं, तो बोलने से क्या फायदा? क्या करना चाहिए वो तो बोलने से क्या फायदा? दे आर मेंट टू रिप्रेजेंट द पीपल, पीपल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। करते या नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल। नहीं, वो तो सामने है। हाँ, कैसा करते हैं? नहीं तो समस्या ही नहीं। आप जानते हैं आज जिस तरह से एक राजमाता, जो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ है हमारी कल्चर और हेरिटेज को लेके, जिस तरह से राज परिवार कल्चर और हेरिटेज को लेके काफी आगे थे और काफी संरक्षण देते थे, आज ही इस पे सवाल खड़ा होता जा रहा है। मेरे को मालूम नहीं, मैं इन बातों में जानती नहीं, मैं कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेती और मेरे को मालूम भी नहीं। मुझे माफ करना, मैं इसके जवाब नहीं दे सकती हूँ। यानी हेरिटेज की स्थिति को लेकर राजमाता आप भी संतुष्ट हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आवाज उठाते? आपकी आवाज में अभी भी दम है। इस पर हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मंगल भवन अमंगल हारी देखिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे। स्फूर्ति प्रदाताओं का जीवन प्रस्थान मार्गदर्शी, मार्गदर्शी देखिए शनिवार 2:30 बजे। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच है राजमाता गायत्री देवी। राजमाता, जयपुर के हेरिटेज को लेके आपको भी चिंता है। जिस तरह से एक राजमाता जयपुर में जो आमेर हेरिटेज को लेकर, हाँ, उसको किसी ने मेरे को कहा कि बदल दिया। हाँ, ये किसने बदल दिया? चीफ मिनिस्टर ने। चीफ मिनिस्टर ने, तो चीफ मिनिस्टर के एक प्रेसिडेंट चेयरमैनशिप में एक बोर्ड बना है, आमेर हेरिटेज बोर्ड,
और उस बोर्ड में ऐसे लोग हैं जिनका न आमेर से संबंध है न जयपुर से संबंध है, क्या ऐसे? ये तो मैं जानती हूँ, हर एक चीज में ऐसे लोग हैं जिनके जयपुर से ना तो संबंध है ना तो राजस्थान से। क्या लगता है हेरिटेज बचेगा ऐसे? अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब हो गया तो हो गया, मैं तो गई ही नहीं, देखना भी नहीं चाहती हूँ। माता जी से जाना होगा तो मैं आँख मीच कर जाऊंगी। राजमाता माता जी की बात करें तो उस समय जो माता जी को लेके लोगों में आपके प्रति बड़ा आकर्षण था। आपने मेरे को कहा, थैंक यू वेरी मच। आपको सुंदरता की देवी माना जाता था। अच्छा, और पूरी दुनिया में लोग इस तरह से जानते हैं कि जो इंडिया की एक जो खूबसूरत जो महिला के प्रतीक के तौर पे थी आप, ये सब मैं जानती नहीं। आज जो जिस तरह का जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहे हैं उनको लेके आपको क्या? अब मैं तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेती। अच्छा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेती इन चीज़ों में। एक राजमाता बड़ा सवाल है कि पोलो आपका बहुत बड़ा कारण रहा है, ये पोलो जयपुर घराने से कैसे जुड़ा, उससे कैसे जुड़ा, क्योंकि अंग्रेजों का खेल था। अंग्रेजों का खेल था, अंग्रेजों का खेल नहीं था, अंग्रेजों ने इधर से लिया। ये आप गलती कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की खेल है और अंग्रेजों ने यहाँ से इंडिया से लिया, अंग्रेजों का खेल नहीं है। अच्छा, भारत का खेल था ये। भारत का खेल है। तो क्या राजघराने विशेषकर जयपुर राजघराने का इसमें जो पोलो में रोल था? क्योंकि दरबार का लेट हैरिस का हैंडीकैप 9 था, टॉप है 10, तो कैसा नहीं होगा। और वो खेलते थे सब, जितने राजा महाराजा थे राजस्थान के, राजपूताना के उस टाइम पे, सभी खेलते थे। जयपुर ने इस खेल को क्यों विशेष बढ़ावा कैसे, क्या स्वयं मानसिंह जी का जो इंटरेस्ट था वही कारण था? उनकी वजह से, या जो घोड़सवारी को लेकर भी कोई विशेष? नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, हैनिस का इंटरेस्ट था, उनका हैंडीकैप 9 था, टॉप हैंडीकैप 10 है, तो वो खेलते थे इसलिए ये जो खेलने का इंटरेस्ट। राज मतलब आपका भी विशेष इंटरेस्ट, आपका भी इंटरेस्ट था पोलो को लेकर? मेरे में इंटरेस्ट पोलो में है, टेनिस में है, हॉकी में है, क्रिकेट में है, सब खेल में है। अच्छा, जो अभी भी जो पोलो जो थोड़ा बहुत बचा है वो या तो जयपुर घराने का सपोर्ट है या आर्मी का सपोर्ट है, क्या लगता नहीं है कि काफी इस समय कमजोर? दिल्ली में किसका सपोर्ट है बताइए आप? आर्मी का भी नहीं और राजाओं के भी नहीं। पोलो तो खेला जाता है सारी दुनिया में, राजा महाराजा उनसे नहीं। अब ये राजाओं का खेल नहीं रहा? नहीं है, अगर कोई खेलना चाहे राजा में से तो खेलेंगे। पर राजमाता क्या, क्योंकि पोलो एक ऐसा खेल है जो हमारा हेरिटेज भी है जयपुर का, कम से कम इसको और मजबूत मिले, इसको और संरक्षण मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए अभी? देखिए आप कुछ भी नहीं जानते, पोलो का खेल सभी जानते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह में खेलते हैं, और क्या करना चाहिए? नहीं, इंडिया में, जयपुर में। इंडिया में तो खूब खेलते हैं, जयपुर में, जयपुर में तो खूब खेलते हैं। पर राजमाता जो जयपुर में एक गिने चुने एक छोटी सिटी, क्या कुछ लोगों का खेल बन के रह गया ये? कुछ लोग, हाँ कुछ एक गिने चुने मुट्ठी भर लोग। नहीं नहीं, इसको स्प्रेड करना है तो कैसे? बहुत से लोग आते देखने के लिए, ये समझना चाहिए आपको। फुटबॉल तो सभी नहीं खेलते हैं, खाली 11 जन खेलते हैं, सब आके देखते हैं। बिल्कुल अलग हटके सवाल है। अच्छा, वो हटके सवाल ये है कि इस समय जो राजपूत कम्युनिटी है वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है। अब ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं था, ये पहले दफे मैंने सुना। ये उम्र का तगाजा है या राजमाता आपकी पूरी वर्तमान परिस्थितियों से निराशा, इसका जवाब हम आपसे बाद में लेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोहित, हे, हाउ अबाउट लंच? व्हाट्स फॉर लंच? लिव लाइफ लेजरली, ओह कम, लिव लाइफ लेजरली, क्रेजी,
The perfect ready-to-eat food from Priya. Just cut it, eat it, and live life leisurely. राजस्थान के छह बड़े शहरों की खबरें. जयपुर. सत्ता का केंद्र जयपुर. कैसे बनते हैं और बिखरते हैं वादे और इरादे. अजमेर. फिजा में है पुष्कर की महिमा और गरीब नवाज का करम. हर घड़ी की हर खबर के संग होंगे हम. कोटा. राजस्थान का ऊर्जा केंद्र कोटा देखिए साक्षी बन रहा है किन किन हलचलों और आयामों का. जोधपुर. आन बान शान की अनूठी मिसाल. जानिए जोधपुर की हर खबर हर हाल. उदयपुर. झीलों की बयार पहुंची सात समंदर पार. हमारी रहेगी पल पल पर नजर. बीकानेर. गुजिया का तीखापन हो या हो रसगुल्ले की मिठास, बीकानेर की हर खबर है हमारे पास. ईटीवी न्यूज उदयपुर. ईटीवी न्यूज जयपुर. ईटीवी न्यूज अजमेर. ईटीवी न्यूज जोधपुर. ईटीवी न्यूज बीकानेर. ईटीवी न्यूज कोटा. आपरो सिटी सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर. उसके सह प्रायोजक है अनसीडी लाल घोड़ा काला घोड़ा प्योर असम सीटीसी चाय. दूर तक फैले रेगिस्तान की उमस हो या शहरों की रंगीनियां, राजनीति का उठता गिरता पारा हो या आम इंसान का दर्द, राजस्थान के हर गांव हर शहर की हर खबर पहुंचाते हैं आप तक. मारो राजस्थान सुबह 10:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे. न्यूज के प्रायोजक हैं संबत तेज. रात को सिर्फ एक ग्लास, दिन 10 ग्लास. अनसीडी लाल घोड़ा काला घोड़ा प्योर असम सीटीसी. ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है. आज हमारे बीच हैं जयपुर की राजमाता गायत्री देवी. यहाँ की सिरमौर रही, लेकिन आज अपने को पूरी तरह से अलग थलग कर चुकी हैं राजनीति से, सामाजिक गतिविधि. तो आपकी जानकारी में नहीं है क्या क्या उनको रिजर्वेशन आपको लगता नहीं, है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में, कोई इंटरेस्ट नहीं है. राजमाता जी, लेकिन जयपुर के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जयपुर के लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? वो हिंदुस्तान में है, भारत में है, भारत वर्ष की जैसे होगा उधर उनका होगा. मैं क्या उनको क्या करना चाहिए जयपुर को बचाने के लिए? जयपुर के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए. जयपुर के लोग क्या करें? जयपुर के लोग तो रहने दीजिए उनको, जयपुर को बिगाड़ दिया. क्या लगता है कि जयपुर का आगे भविष्य क्या लगता है? क्या आप फ्यूचर क्या लगता है जयपुर का आपको? जयपुर का फ्यूचर जो और देशों के और शहरों का फ्यूचर होगा वो ही होगा. अभी हम बात कर रहे थे जयपुर की राजमाता गायत्री देवी, जो कभी यहाँ की प्रतीक रहीं, जयपुर की पहचान रहीं, और जो आज़ादी के बाद की राजनीति रही उसकी एक प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर रहीं. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ.
निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में नियंत्रित नहीं है, मैं विकास करना चाहता हूँ। वायदों प्रतिक्रियाओं से हमारी जिंदगी पर पड़ता असर, गरीब मर रहा है पुलिस फायरिंग से वेस्ट बंगाल में, इसलिए हम रहते हैं सतत निष्पक्ष निडर। खबरों की हकीकत को जानने के लिए देखिए ईटीवी न्यूज, आखिर हम हैं हर कहीं। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हंसीडी लाल घोड़ा काला घोड़ा प्योर असम सिटी सीशा, रंग रंगीलो रस भरो मारो सुरीलो रा।